तो पहला प्यार लाए जीवन में बाहर, वो कहाँ है? कभी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा, कभी स्कूल का दरवाजा तक उनके पहले बच्चों ने नहीं देखा, वो बहुत बड़े हैं उनके पहले। तो ये हैदर को जवाब है सीमा का कि पहले बच्चों की पढ़ाई करो। उनको मतलब सिंधी से रहेगी, कोई लैंग्वेज नहीं उनके बच्चों को आती होगी सिवाय बलोची के, वहाँ पढ़ाया नहीं जाता है। चली गई और जब वहाँ से भगाई गई, मारी गई, पीटी गई, बेइज्जत की गई, तो वो यहाँ सीधे आ भी गई, तो सीधे आ गई। तो इसमें इतना तो टाइम नहीं लगता है। इस तरह से ऐसी बातें करके बहुत गलत गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए, क्योंकि भारत सरकार तो कार्य कर रही है, इसके लिए अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लिखेंगे, इस पर पिटीशन अपनी लगाएंगे कि इस तरह से पाकिस्तान का एक व्यक्ति हमारे भारत और पाकिस्तान के सद्भाव को भी खराब, वो उतना गलत बोलता है अकेला व्यक्ति, कुछ तथाकथित मीडिया का सहारा लेकर के, जिसकी वजह से हमारे देश में रहने वाले इस्लाम को मानने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं, उनको भी उस तरह गिना जाता है। और पाकिस्तान में जो लोग हमें चाहते हैं, सीमा को चाहते हैं, या सद्भाव चाहते हैं, या भारत पाकिस्तान की एकता चाहते हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, उस पर भी सवालिया निशान लगते हैं। कभी सचिन को ये हो गया, कभी सीमा बाघा बॉर्डर पे पहुंच गई, कभी सीमा के अलग हो गया, कभी सीमा भाग गई, कभी सीमा मर गई, कभी सीमा ने जहर दे दिया। यहाँ सास ससुर इनके दादा परदादा चार पीढ़ियां बैठी हैं, सचिन के पिता बैठे हैं, सचिन के पिता बैठे हैं, और सचिन के चार बच्चे भी बैठे, चार पीढ़ियां। ये चलाई जाती है खबरें, ये सब कुछ सामने है। खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम याचिका लगाएंगे कि इन पर जो इंटरनेशनली कवर्ड होते हैं सोशल मीडिया, इस पर भी पाबंदी लगे और रुकावट लगे। चली गई और जब वहां से भगाई गई, मारी गई, पीटी गई, बेइज्जत की गई, तो वो यहाँ सीधे आ भी गई, तो सीधे आ गई। तो इसमें इतना तो टाइम नहीं लगता है। इस तरह से ऐसी बातें करके बहुत गलत गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए, क्योंकि भारत सरकार तो कार्य कर रही है, इसके लिए अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम लिखेंगे, इस पर पिटीशन अपनी लगाएंगे कि इस तरह से पाकिस्तान का एक व्यक्ति हमारे भारत और पाकिस्तान के सद्भाव को भी खराब कर रहा है, वो उतना गलत बोलता है अकेला व्यक्ति, कुछ तथाकथित मीडिया का सहारा लेकर के, जिसकी वजह से हमारे देश में रहने वाले इस्लाम को मानने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं, उनको भी उस तरह गिना जाता है। और पाकिस्तान में जो लोग हमें चाहते हैं, सीमा को चाहते हैं, या सद्भाव चाहते हैं, या भारत पाकिस्तान की एकता चाहते हैं, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है, उस पर भी सवालिया निशान लगते हैं। हमारी सभ्यता क्या है? जब हम प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण 22 जनवरी को हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के महान लोग वहां पहुंचकर उसका सब करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे मूर्तियों की, तो जिन प्रभु श्री राम की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उन मूर्तियों का निर्माण करने वाले हमारे वेस्ट बंगाल के इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। इस्लाम धर्म को जो मानते हैं, उन्होंने उस मूर्तियों का निर्माण किया जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो हमारी सभ्यता तो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चलने वाली है, वो इसमें दरार ला रहे हैं। और ऐसी बातें होंगी तो फिर चीजें, आपने देखा 41 लोग 17 दिन टनल में फंसे रहे, उसमें हमें निकालने वाले सब धर्मों के लोग थे, फंसने वाले सब धर्मों के लोग थे, कार्य करने वाले जो रैट बने, चूहा बनके उन्होंने किया, वो सब धर्मों के लोग थे, हमने सबका सम्मान किया। तो एक व्यक्ति भारत पाकिस्तान के बीच दरार पैदा करने का प्रयास कर रहा है, और वो हो भी रही है गलत खबर, उसका साथ कुछ तथा कथित चैनल दे रहे हैं, कुछ साथ तथा कथित चैनल सीमा, सचिन मीना, डॉक्टर एपी सिंह की खबर को चलाने से, जोड़ने से, उसको गलत गलत, कभी सीमा सचिन को गोली मार दी गई, कभी सचिन को ये हो गया, कभी सीमा बाघा बॉर्डर पे पहुंच गई, कभी सीमा के अलग हो गया, कभी सीमा भाग गई, कभी सीमा मर गई, कभी सीमा ने जहर दे दिया। यहाँ सास ससुर इनके दादा परदादा चार पीढ़ियां बैठी हैं, सचिन के पिता बैठे हैं, सचिन के पिता बैठे हैं, और सचिन के चार बच्चे भी बैठे, चार पीढ़ियां। ये चलाई जाती है खबरें, ये सब कुछ सामने, ये भी हुआ। हमारी माता जी के बारे में भी दिखाया जाता है गलत, किसकी अच्छा। बात करूं हाँ। हमारी माता जी के बारे में गलत बताया जाता है कि हमारी माता जी ने चिट्ठी लिख दी, किसको लिख दी, कि वो परेशान है यहाँ, उससे अपने बेटे से परेशान है, ऐसी ऐसी कई चीजें गलत गलत चलाई जाती हैं, जिससे हमारे देश की सभ्यता श्रवण कुमार वाली रही। हमारे यहाँ बेटे श्रवण कुमार की सभ्यता संस्कृति के अनुसार अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वही सीमा सचिन मीना भी करता है, वही और बच्चे भी करेंगे।
तो ये उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम याचिका लगाएंगे कि इन पर जो इंटरनेशनली कवर्ड होते हैं सोशल मीडिया, इस पर भी पाबंदी लगे और रुकावट लगे। अच्छा, हैदर के साथ मीडिया पे भी आप आरोप? हाँ, जो इस तरह के कर रहे हैं, एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, अगर उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया है तो हम उनके प्रोफेशन को अपनी